नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रेटजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल 0222300 1634 हमारा नंबर है, या फिर आप हमें 0222300 1635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें #BazaarAajAurKal लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ आज हैं, आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने आज देखा बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा और कारोबार के अंत में निफ्टी 49 अंकों की बढ़त के साथ 18,315 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 125 अंक चढ़ा, 61,000 के पार क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 133 अंकों की बढ़त के साथ आज 43,330 के पार बंद हुआ। आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज की रिकवरी को कैसे समझा जाए। इस हफ्ते लगातार तीसरे दिन भारतीय बाजार निफ्टी पर मजबूती के साथ हरे निशान में बंद होने में रहे कामयाब। आज दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले और सुस्ती के संकेत थे, लेकिन भारतीय बाजारों ने एशियाई बाजारों की कमजोरी को भुलाकर मजबूत शुरुआत करना ठीक समझा। इस मजबूत शुरुआत के बाद 18,300 के पार निकले भी, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए। शुरुआती कारोबार में ही ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी और नीचे 18,200 तक बाजार फिसले भी। यानी कि निफ्टी की रेंज तो मुश्किल से 125 पॉइंट की थी, 100-125 पॉइंट की, लेकिन बैंक निफ्टी ज्यादा वोलेटाइल था। 43,300 के ऊपर निकलने के बाद एक बार बैंक निफ्टी में जोर से प्रॉफिट बुकिंग और मुनाफा वसूली आती दिखी, जिसे लीड किया सरकारी बैंकों ने। आज सरकारी बैंकों पर दबाव था और उसके चलते एक बार बैंक निफ्टी न सिर्फ 43,000 के नीचे गया बल्कि 42,800 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा और वहां पर सपोर्ट लिया। लेकिन मिड सेशन से फिर से जो रिकवरी की शुरुआत हुई वो काबिले तारीफ थी और फिर से बाजार आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी मजबूती दिखाते हुए दिन की ऊंचाइयों के करीब बंद हुए और 18,300 के पार निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। यानी कि इस पूरे रनअप में जो 16,800 से हमने शुरू किया उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आज आपको 18,300 के ऊपर मिली है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी बुरी नहीं, बिल्कुल भी 43,300 के आसपास रही। आज की रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान इस बात का था कि कैश मार्केट में कल के सेशन में FIs और लोकल फंड्स दोनों की तरफ से खरीदारी के आंकड़े बराबर आ रहे हैं। आज अमेरिका में बड़ी अहम बैठक है, उससे पहले बाजार शॉर्ट कवरिंग भी दिखाते हुए नजर आए और इसी लिहाज से आज की रिकवरी और दिन की ऊपरी स्तरों पर बंद होना वाकई में बाजार में कॉन्फिडेंस दिखाता है। एक चीज़ बेहद साफ है, बाजार में हर एक गिरावट में, चाहे वो दिन के दौरान हो या फिर एक आध दिन की, हर एक गिरावट में खरीदारी का माहौल बना हुआ है और रिकवरी भी उतनी ही जल्दी और उतनी ही शार्प आती हुई दिख रही है, जो कि बाजार में अंडर करंट बड़ा मजबूती का है, तेजी का है, इस तो और इशारा कर रही है। नतीजों का सीजन जोरों पर है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बाजार में भरपूर है। कई सारे सेक्टर्स से अपने टर्न बाय टर्न तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं बड़े दिनों बाद एक वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन खासतौर से बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन अंत में बेहद मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद होते बाजार। आइए अब सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, आज आखिरकार उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने रिकवरी दिखाई और हरे निशान में बंद हुए, पर अभी फिलहाल आपको बाजार में कैसी स्ट्रेटजी रखने की आप सलाह देंगे? गुड इवनिंग स्वाति। आज का बाजार डेफिनेटली एक उतार चढ़ाव वाला था, उठा पटक वाला था, बट मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में थोड़ी मजबूती ही देख रहा हूँ। अगर देखा जाए तो निफ्टी में बहुत लिमिटेड अपसाइड है, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मजबूती रह सकती है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। नतीजों की तो कई सारे नतीजे, जहां पे नतीजे आ रहे हैं वहां पे पॉजिटिविटी दिख रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार में आप पॉजिटिव रहे। नीचे में सपोर्ट बहुत जरूरी है, वो है 17,700 का, उस पर जरूर नजरें टिकाए रखें। ओके, अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेते हैं आपसे। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो इस बाजार में, महीना दो महीने का अगर नजरिया हो, तो आपके नजर में कहां पर खरीदारी के मौके हैं? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल तौर पे अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो वो होगा एप्पल इंडिया पे खरीदारी की राय है। अभी जो क्लोजिंग है 936 का है, स्टॉप लॉस आपको रखना है 865 का और टारगेट रखना है 1050 का।
ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है मोबाइल एडवर्टीजमेंट का, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, और जिस हिसाब से हम एड स्पेंड्स देख रहे हैं डिजिटल बिजनेसेस में बढ़ते हुए, इस कंपनी को डायरेक्ट फायदा होते हुए दिख रहा है। 25 से 30% सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है आने वाले 5 सालों के लिए। और मोबाइल एड स्पेंड्स में हम मानते हैं कि करीबन 32% का ग्रोथ आप देख सकते हैं आने वाले सालों में। इस कंपनी की आय जो मैनेजमेंट बात कर रही है 27% सीएजीआर बेसिस से ग्रो हो सकती है आने वाले समय में। तो एप्पल इंडिया जिस पे मेरी खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 1050 का। एप्पल इंडिया पोजिशनल कॉल सिद्धार्थ सिरानी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म का नजरिया कौन से स्टॉक में रहने की आपकी सलाह रहेगी? सारे ही वीआईपी दर्शकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉल रहेगा वो होगा वीआईपी इंडस्ट्रीज हमारे जी बिजनेस के वीआईपी दर्शकों के लिए टारगेट रहेगा 850 का, 850 का लंबे समय के लिए। अब ये सभी जानते हैं कि लगेज मैन्युफैक्चरर है, लगेज इसकी ट्रॉलीज हमारे घर में होगी। 44% मार्केट शेयर है इनका, दबदबा है, ये एशिया का लार्जेस्ट प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर है। और सबसे बड़ी चीज इनकी जो ब्रांड है वीआईपी स्काई बैग, ये मैं मानता हूं कि हर एक घर में कहीं ना कहीं पाए जाते होंगे। साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर बढ़ते हुए दिख रहा है वीआईपी इंडस्ट्रीज का। 20% रेवेन्यू सीएजीआर से ग्रो होने वाली कंपनी वीआईपी इंडस्ट्रीज। हम मानते हैं कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसका बैकपैक की लगेज की, ये 15% सीएजीआर से ग्रो होने वाली है। और जिस हिसाब से वीकेंड गेटवेज ट्रैवलिंग जिस हिसाब से बढ़ गए हैं, होटल्स फुल है, फ्लाइट फुल है, एयरपोर्ट खचोखच है, ये तो आपके साथ जरूरी जाएगा, और वो है वीआईपी इंडस्ट्रीज 850 का लंबे समय का टारगेट। लंबी अवधि के लिए वीआईपी इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए कुछ दर्शकों के सवाल करते हैं शो में शामिल। पहला सवाल हमारे पास सोशल मीडिया से आ रहा है वडोदरा से वंदना नकुम का। वरुण बेवरेजेस, इनके पास है 210 शेयर है, 429 की खरीद है इनकी। स्पेशली शेयर में लगातार छठे दिन हमने तेजी देखी, रिकॉर्ड स्तर भी छूता हुआ दिखा ये शेयर, और इनको बम्पर मुनाफा 2,47,000 के मुनाफे पर अभी वंदना जी हैं। फिलहाल वरुण बेवरेजेस ये स्टॉक अभी फिलहाल आने वाले टाइम में आपको कैसा लग रहा है सिद्धार्थ? और साथ ही अब इनका तो मुनाफा जबरदस्त है, तो अब ये फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखे? बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर एंट्री इनकी। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वन्ना जी, आपके इतना बंपर मुनाफा और इतने दिनों तक, इतने महीनों तक आपने होल्ड किया, ये सराहनीय है। सबसे बड़ी चीज, वरुण बेवरेजेस बॉटलिंग की कंपनी है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है। आज की जो हम देखते हैं कोल्ड ड्रिंक से जो भी हम बोले बेवरेजेस, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूँ कि कंपनी अच्छी है, ग्रोथ बहुत अच्छा है, और पिछले 1 सालों में क्या रिटर्न दिया है और आपको भी रिटर्न मिला है। तो ऐसे रिटर्न के बाद आपको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। और भी मैं मानता हूँ कि ये जो भी मौसम चल रहा है समर्स का, यहाँ पे भी एक अच्छी ग्रोथ उम्मीद रख सकते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से होल्ड करें और रिजल्ट्स का वेट करें, उसके बाद ही रिव्यू करेंगे। ओके, वरुण बेवरेजेस को होल्ड करने की सलाह आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर सूरत से गौरांग कुमार। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी, मेरे पास टाटा इलेक्ट्रिक है, काफी टाइम से पड़े हुए थे 4,700 के रेट के, तो उसमें अभी टिके रहे या फिर एग्जिट का? कितने शेयर है और एक बार अपनी बाइंग प्राइस फिर से बताएंगे? 4,700 बोला आपने? 7,400 की आपकी खरीद है? ओके ओके, 400 की, हाँ ठीक है। और कब तक रखना चाह रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया था, लेकिन काफी टाइम से कुछ गेन दिख नहीं रहा था उसमें। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया टाटा लेक्सी पर, लेकिन कोई फायदा इन्हें नजर नहीं आ रहा क्योंकि अभी ये नुकसान में है। सिद्धार्थ क्या करेंगे? देखिए गौरांग जी, ये स्टॉक जो है ये काफी बड़ा सुपर परफॉर्मर रह चुका है, एक टाइम पे 10,000 भी गया था, उसके बाद करेक्शन हमने देखा, जब हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शेयरों में एक करेक्शन था, एक मंदी थी,
मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छी कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MI मशीन लर्निंग ML AI ML की, तो मैं मानता हूँ इस पे बने रहना चाहिए, बेहतरीन कंपनी है। अगर आपके निवेश का व्यू पॉइंट है तो बिल्कुल बने रहिए, एटलीस्ट 6 महीने का टाइम होराइजन दीजिए। इस पे हमारी कोई टारगेट या रिपोर्ट नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि बने रहने में सही रहेगा क्योंकि बेहतरीन कंपनी है। ओके, तो टाटा एलेक्सी में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। माफ कीजिए, पंजाब से आशुतोष कुमार, इनका सवाल हमारे पास आ रहा है। SBI पर 100 शेयर हैं और 541 की खरीद है इनकी SBI पर। जानना चाह रहे हैं कि ये फिलहाल क्या स्ट्रेटजी रखें, मुनाफा इन्हें अच्छा है और अच्छी कंपनी है, तो बताइए इनको क्या राय आप देंगे। देखिए कुमार साहब, बहुत बेहतरीन कंपनी है ये, SBI देश की तिजोरी कहलाई जाती है और सबसे बड़ी PSU कंपनी है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। 650 का हमारे लंबे समय का टारगेट है SBI पे, उठा पटक तो बनी रहेगी बट जिस हिसाब से मोमेंटम में है, बेहतरीन कंपनी है, बने रहिए, बिल्कुल छोड़िएगा मत। ओके, तो SBI में बने रहिए, यही आपके लिए राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। सूरत से सोनल इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास। नमस्कार मैम, मेरे पास JBM ऑटो के शेयर्स हैं, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 800। ओके, कब तक के लिए लिए हैं? स्टॉप लॉस मैंने आज ही खरीदे हैं, मैंने स्टॉप लॉस 870 का लिया है। ओके, तो अभी अभी इसका टारगेट आएगा थोड़ा 840-850 तक आएगा। सिद्धार्थ जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं यही सोनल जी को राय दूंगा इस पे कि JBM ऑटो पे मेरी कोई खास सलाह नहीं है और मुझे उतना अट्रैक्टिव भी लगता नहीं है बिजनेस और फंडामेंटल देखते हुए, तो ये तहत मैं यही कहूंगा कि आप स्विच ऑन कर ले, आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान तो हो नहीं रहा है। गैब्रियल इंडिया एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके सामने, इसको चूज कर सकते हैं, या दूसरा विकल्प ऑटो एनसिले में ये होगा कि उनो मिंडा भी बेहतरीन कंपनी है, तो गैब्रियल इंडिया जो एक शॉक ऑब्जॉर्वर बनाती है, अभी नई खबर थी कि अब वो विंडोज में भी आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दूसरे से प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ गैब्रियल या फिर उनो मिंडा, ये दोनों में से कोई भी कंपनी को आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो JBM ऑटो से स्विच करके आप गैब्रियल इंडिया या उनो मिंडा, ये स्पेस की जो स्टॉक्स है, कंपनीज है, इसमें आप जा सकते हैं। ये राय सिद्धार्थ की तरफ से आपके लिए। आइए अगला सवाल लेते हैं, इंदौर से अभिलाषा का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। LTI माइंड ट्री इनके पास है, 28 शेयर, 6100 की खरीद। जानना चाह रही है कि LTI माइंड ट्री में फिलहाल इन्हें करना क्या है, नुकसान काफी है, काफी ऊंचे लेवल्स की बाइंग भी है इनकी, क्या करेंगे? देखिए अभिलाषा जी, आपको बने रहना चाहिए क्योंकि कंपनी काफी अच्छी है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से माइंडट्री और LTI का विलय हुआ, उसके बाद सिनर्जी जब वर्कआउट होगी, सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कंपनी अच्छी है बट कहीं ना कहीं कमजोरी नतीजों में दिखी है, तो आपको बने रहना चाहिए, एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए बने रहिए और उसके बाद इसको रिव्यू करिए। तो कम से कम 3 से 4 महीने का नजरिया LTI माइंडट्री में लेकर चलें, आपके लिए यही राय आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। अगला सवाल लखनऊ से मनीषा का इस वक्त आ रहा है। यूको बैंक, 4150 शेयर और इस पर 31 रुपए की खरीद इन्होंने बताई है हमें, 15,000 का नुकसान भी झेल रही है यूको बैंक। ये स्टॉक कैसा लगता है आपको सिद्धार्थ, और क्या राय रहेगी आपकी इनकी इन पर? स्वाति जी, ये भी हमारे महिला दर्शक का ही क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली मनीषा जी आपको इसमें से तो निकलने की राय मैं दूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, GNPA NNPA है, ग्रोथ नहीं दिखती है, मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ ये स्टॉक को लेके। मैं आपको यही सलाह दूंगा इससे निकल जाए, अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में ही कुछ अच्छे विकल्प ढूंढने हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सरकारी बैंक है, PSU है, बट दमदार नतीजे आ रहे हैं, तो आपको बहुत आसान नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये विकल्प दूंगा कि आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्विच हो जाए, लंबे समय के लिए 650 का टारगेट रख सकते हैं।
ओके तो बैंकिंग स्पेस में ही रहना है तो दिग्गज कंपनी पीएसयू स्पेस की एसबीआई में आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, आपके लिए ही राय है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। गुरुग्राम से दीक्षा हमारे साथ है, नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम, मेरे पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें 2000 शेयर्स है और जो मेरा एवरेज प्राइस है वो 93 है। कब तक के लिए लिया है आपने? मैम ये मेरा 6 मंथ का व्यू है। ओके, बीईएल 6 मंथ के व्यू के लिए 93 की इनकी खरीद है। बताइए सिद्धार्थ, क्या स्टॉक कैसा लग रहा है, 3 महीने के लिए नजरिया सही है इनका? देखिए बीईएल स्वाति ऐसा है कि ये कंपनी A1 कंपनी है पूरे ही डिफेंस स्पेस में, सबसे बड़ी दिग्गज है और सबसे ज्यादा अगर डिफेंस स्पेस को कोई केटर करता हो तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। नंबर्स भी अच्छे हैं, रेवेन्यूज आए, सब अच्छा है, तो डेफिनेटली डिफेंस का अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। दिग्गज कंपनी है पूरी स्पेस की, एटलीस्ट 6 महीने का समय दे, ये साथ में जरूर जोड़ूंगा कि आज डिफेंस को लोग, ये जो स्पेस है, ये जो सेक्टर है, इसको लोग बहुत छोटा सेक्टर समझते हैं, बट आने वाले 5 साल में देखिएगा ये काफी मेन प्ले हो जाएगा सेक्टर डिफेंस का, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट का बहुत अच्छा फोकस है, इंडिजिनाइजेशन में बहुत बड़ा फोकस है, तो बिल्कुल बीएल इसका लीडर बने रहने की सलाह। कल के बाजार पर क्या रहे खास, इस बार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। आज रात अमेरिका में बेहद अहम ट्रेडिंग सेशन है क्योंकि आज वहां पर महंगाई दर के आंकड़े आने हैं। रिटेल महंगाई दर 5% के आसपास और कोर महंगाई दर 5.5% के आसपास रहने की उम्मीद है और ये आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करेगा कि आगे चलते हुए फेड की रणनीति क्या होगी ब्याज दरों को बढ़ाने को लेकर। इस आंकड़े के दम पर अमेरिकी बाजारों में बड़ा रिएक्शन आने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। वैसे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट और नैस्डेक फ्यूचर्स 25 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि हल्के से नुकसान के साथ, लेकिन हमारे बाजार काफ़ी मजबूती के साथ बंद हुए हैं और ऐसे में कल के लिए जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो है 18,150 से 18,225, ये वो रेंज है निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगी और ऊपरी स्तरों पर 18,400 से 18,450 की रेंज तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,825 से 43,000 ये बैंक निफ्टी के लिए कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 43,500 से 43,700 की रेंज होगी जहां पर बैंक निफ्टी कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। तो इन लेवल्स पर रखिए नजर, कल का सेशन एक बड़े एक्शन वाला हो सकता है लेकिन संकेत हम ग्लोबल मार्केट से लेंगे। हमारे अपने संकेत मजबूती की तरफ है, बायो डिप्स का मार्केट है, फ्लोज मजबूत है, ट्रेडिंग इंटरेस्ट फिर से लौटता हुआ दिख रहा है, तो अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट दिया तो तेजी से दौड़ लगाएंगे और अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हुए आज अमेरिका के इन्फ्लेशन को देखने के बाद तो हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर रुककर वहां से रिकवरी देने की कोशिश करेंगे, यानी कि बायो डिप्स की स्ट्रेटजी काम करेगी। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं, कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या रहेगी? जी नमस्कार, देखिए बाजार में स्ट्रेंथ बनी हुई है, हर डिक्लाइन पे बाइंग आ जा रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा 1500। यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड रहेगा कोलगेट पामोलिव पे। कोलपाल देखिए काफी अच्छा सेटअप बना है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और लॉन्ग के बिल्टअप जो इंडिकेट कर रहे हैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ से लगभग 1630 1640 तक का मूवमेंट बन सकता है, तो 1580 का कोलगेट का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये कॉल लगभग 38 रुपए के आसपास बंद हुआ है और यहाँ पे लगभग आपको 25 रुपए का सपोर्ट लगाना पड़ेगा, ऊपर में लगभग आपको 55 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। तो कोलगेट का 1580 का कॉल लगभग 55 रुपए तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा रहेगा टाटा मोटर्स। आप देखोगे टाटा मोटर्स में पिछले 3-4 दिनों से तेजी है, पूरा का पूरा ऑटो सेगमेंट है, पॉजिटिव मूव दिखा रहा है और टाटा मोटर्स का 510 का कॉल हम खरीदारी की सलाह देंगे। 510 का कॉल अभी आप देखोगे तो इसमें काफी अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है, 510 का कॉल लें और यहाँ पे आपको 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा ऊपर में 25 रुपए के टारगेट को। टाटा मोटर्स और साथ ही कोलगेट पामोलिव, ये दो ऑप्शन स्ट्रेटेजी चंदन तापड़िया की तरफ से कल के लिए। और सिद्धार्थ आपकी नजर में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है? बिल्कुल स्वाति, और ऑयल मार्केटिंग की कंपनी बीपीसीएल पे खरीदारी की राय,
आज का जो क्लोज होगा वो 371 का होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 365 365 का और टारगेट आपको रखना है 380 का। तो बीपीसीएल पे खरीदारी कह रहा है ऑल मार्केटिंग के दिग्गज बेहतरीन कंपनी, 1 से 2 दिनों का नजरिया 380 के टारगेट के लिए। 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए बीपीसीएल में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बाजार आज और कल